नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पानी का प्रतिशोध जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से कई राज्य बाढ़ की चपेट में है इस वक्त। रेगिस्तान में भी पानी का प्रलय जारी है। राजस्थान के ज्यादातर इलाके पहले ही बारिश से बेहाल है। आज भी मौसम विभाग ने सूबे के 20 जिलों में बारिश की भविष्यवाणी की है। ट्रैक पर पानी, प्लेटफॉर्म पर पानी, मूसलाधार बारिश के पानी ने प्लेटफॉर्म और ट्रैक में अंतर खत्म कर दिया है। ये तस्वीरें गर्मियों में पानी के लिए तरसने वाले बीकानेर की है। आसमान से इतनी बारिश हुई कि पूरे शहर पर पानी का कब्जा हो गया। बीकानेर स्टेशन की इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब स्टेशन का ये हाल है तो पूरे शहर का क्या होगा। जिन सड़कों पर गाड़ियां और लोग चलते थे, आज वहां सैलाब बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। बीकानेर में बहुत भारी वर्षा हो रही है और बचाव कार्य चल रहा है, और भी बारिश होने की संभावना है। हॉस्पिटलों में और सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया है। हालत खराब हो रही है, इससे जनजीवन सारा प्रभावित हो रहा है। बीकानेर के 3 गांव भोलासर, अक्कासर और मेघासर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से इलाके की सड़कें बह चुकी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से राजस्थान के ज्यादातर इलाकों का बीकानेर जैसा ही हाल है। जहां कल तक सूखी जमीन थी, लोग आते जाते थे, गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब सिर्फ सैलाब है। सैलाब भियासा की करीब 6 फीट ऊंची जीप तक डूब गई। सिर्फ जीप का कुछ हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से इस पुलिया पर 2 फीट ऊपर पानी बह रहा था। जीप के ड्राइवर ने पानी की परवाह नहीं करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन तेज बहाव में जीप बह गई। किसी तरह से जीप के ड्राइवर और उसमें सवार शख्स ने तैर कर अपनी जान बचाई। बारिश की वजह से बारा के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां लोगों की जिंदगी पर पानी ने ब्रेक लगा दिया है। धौलपुर की तस्वीर भी कोई जुदा नहीं है। भारी बारिश की वजह से सड़कें अदृश्य हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। फ्रिज डूबा, कुर्सी डूबी, घर का ज्यादातर सामान पानी में अदृश्य हो चुका है। बिस्तर तक पानी है। पानी के आक्रमण ने धौलपुर के लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। बारिश रुकने के बाद अब लोग घरों में जमा पानी निकालने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, पहली बरसात में प्रशासन की पोल खोल दी। सफाई कार्य जो टेंडर दिए जाते हैं, नाली की सफाई के लिए कार्य किए जाते हैं, वो सब कागजों में ही सिमट के रह गया। आयुक्त और जिला प्रशासन द्वारा नालों की सफाई नहीं की गई। आसमान से गिर रही आफत ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। गलियों और सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे जूझकर रोजाना के काम करना लोगों की मजबूरी बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अब तक सामान्य से 28% ज्यादा पानी बरस चुका है। 17 जिलों में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। अजमेर, अलवर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, करौली, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, बीकानेर, दौसा और चूरू में आज फिर आसमान से प्रलय गिरने की आशंका है। राजस्थान में जिस तरह से बारिश की थर्ड डिग्री जारी है, ऐसे में लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब तो बस करो, और कितना बरसोगे? आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि किस तरह से पानी ही पानी हर जगह नजर आ रहा है, चाहे वो रेल की बात हो तो कहीं पर रेल फंस गई है, कहीं अगर कार को देखें तो कार लबालब पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। सड़कों का भी यही कमवेश हाल है, वहां पर लोग जैसे तैसे सड़क पार कर रहे हैं और वाहन भी धीमी गति से इन सड़कों पर चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने रेगिस्तान, मैदान और पहाड़ सबका अंतर खत्म कर दिया है। हिमाचल के भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की खौफनाक तस्वीरों के बीच जिंदगी बचाने का काम तेजी से चल रहा है। पहाड़ पर पानी का प्रलय जारी है। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, बारिश और बाढ़ ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। अब हिमाचल के मंडी की इस तस्वीर को देखिए। यह महिला गहरा के पास पहाड़ों में फंसी है। दूसरे किनारे पर लोग खड़े हैं। बीच में गुजरती हुई रावी नदी बह रही है। रावी की लहरों को पार कर इस महिला तक पहुँचना आसान नहीं था। तभी इस ओर से गुजरते हिमाचल पुलिस के जवानों की नजर इस महिला पर पड़ी। उन्होंने इसे सुरक्षित बचाने का फैसला किया। कुछ जवान तैरकर नदी के दूसरी ओर पहुंचे। सबसे पहले महिला को पहाड़ी से उतारा गया। उसके बाद दूसरी ओर खड़े जवानों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुरक्षा चक्र बनाया और रावी की तेज धारा में खड़े हो गए, जिससे तेज धारा किसी को बहा न ले जाए। जवानों ने अपनी कमीज निकाली और उसे रस्सी की तरह बना लिया। उसके बाद महिला को लेकर हिमाचल पुलिस के जवान रावी की लहरों में उतर गए और तैरकर सुरक्षित दूसरी ओर ले जाए। रावी के उस पार एक लेडी, लगभग 31 साल की एक लेडी थी जो फंस गई थी। जैसे ही पुलिस वालों ने उनको देखा तो हमारी SIU टीम वहीं से गुजर रही थी। उन्होंने चेन बना के उनको रेस्क्यू करा और रावी के इस पार लेके आए। कांगड़ा में रविवार को हुई तेज बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। शहरी इलाकों में ज्यादा जल भराव जैसी स्थिति तो नहीं रही, लेकिन बारिश की वजह से नदियों में पानी जरूर बढ़ गया है। इलाके के नाले किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। रविवार को भी शिमला, मनाली, पालमपुर, धर्मशाला और कुफरी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हिमाचल जैसा हाल ही उत्तराखंड का भी है। ज्यादातर इलाकों में पानी प्रलय मचा रहा है। यह हाल है बाबा भोले की नगरी हरिद्वार का। मूसलाधार बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। चारों ओर पानी ही पानी, क्या मोहल्ले क्या गलियां, सभी डूब गई। सड़कों पर तो मानो नदियां उतर आई। गाड़ियां खिलौनी की तरह तैरने लगी। इस वैगनार कार को देखिए, सैलाब में इस तरह से बह रही है मानो कोई फ्लोटिंग कार हो। शमशान घाट पर सूखी नदी ने अचानक ऐसा विकराल रूप लिया कि देखते ही देखते पार्किंग में खड़ी कार सैलाब की चपेट में आ गई। कार सवार किनारे खड़ा अपनी कार को बस देखता रह गया। बारिश की वजह से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का हाल भी बेहाल है। बारिश के बाद रास्तों पर पहाड़ का मलबा गिरने से एक दर्जन सड़कें बंद पड़ी हैं। इस तस्वीर को देखिए, ऐसे ही पहाड़ से जगह जगह रास्तों पर पानी गिर रहा है। ऊपर से पहाड़ का मलबा आ रहा है सो अलग। आप देख सकते हैं कि कितना खतरा उठाते हुए गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसे रास्तों पर कभी भी और कुछ भी हो सकता है। बारिश हो रही है बहुत, रास्ता कुछ नहीं है, रोड टूटी हुई है,
और आने जाने के लिए रास्ता नहीं है साहब, और सामान लाने के लिए दिन लग जाता है पूरा। हमने राशन पानी के लिए भी दिक्कत हो रही है, आना जाना बंद हो रही है, अब यही चीज़ है हमारे लिए दिक्कत, और चलने इधर उधर से हमको मतलब परेशानी यही हो रही है साहब। प्रशासन लगातार कपकोट क्षेत्र में बंद सड़कों को खोलने में लगा हुआ है। एक सड़क खुलती है तब तक बारिश के बाद पहाड़ का मलबा गिरने से दूसरी बंद हो जाती है। जम्मू में भी जमकर बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत तो मिली लेकिन कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई, रास्तों पर छोटी नाव चलने लायक पानी जमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी इंद्र देवता और बरसेंगे, मतलब लोगों को पानी का प्रतिशोध अभी और झेलना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। उड़ीसा में बारिश ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे सूबे की नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बारिश से आधा उड़ीसा त्राही त्राही कर रहा है। यूपी के एटा में 10 मिनट की तेज बारिश ने मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम को फीका कर दिया। संबलपुर में सुफंती नदी में ये बुजुर्ग लहरों में फंस गया। बहाव इतना तेज है कि बुजुर्ग को लहरों के भंवर से निकालना बहुत मुश्किल है। उड़ीसा पुलिस के जवान इस बुजुर्ग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले रस्सी को दूसरी छोर पर पहुंचाया जाता है और फिर बुजुर्ग को सुरक्षित निकालने का काम शुरू होता है। धीरे धीरे रस्सी के सहारे उड़ीसा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस बुजुर्ग को लहरों से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से जगह जगह पेड़ भी उखड़े हुए हैं। कटक का कोना कोना पानी से लबालब है। तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी और धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं शहर, गांव, गली, मोहल्ले, दुकान, मकान, दरवाजे, दीवारें, खेत, खलिहान, सब कुछ। कागज के नाव की तरह कार कुछ देर तक पानी में तैरती रही फिर डूब गई। उड़ीसा ही नहीं यूपी में भी इंद्र देवता जमकर बरस रहे हैं। 15 मिनट की बरसात में ही एटा में मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम के लिए तैयार पंडाल पानी पानी हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। पंडाल में इतना पानी भर गया कि लोग सोफा और कुर्सियों पर पैर रखकर बैठ गए। संगम नगरी इलाहाबाद में भी चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गंगा यमुना के पानी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नदी में पानी बढ़ने से संगम के घाटों पर रहने वाले लोगों ने ऊंची जगहों को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। किनारों को तोड़कर शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। दरअसल उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की वजह से इलाहाबाद में तेजी से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में अभी मूसलाधार बारिश जारी रहेगी, मतलब बारिश और बाढ़ का कहर आधे हिंदुस्तान को अभी कुछ और दिनों तक झेलना पड़ेगा। आज तक वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि YouTube पर आज तक बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/aajtak। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।